साउथ अफ्रीका के खिलाफ निराशाजनक दौरे के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौट चुकी है। मैन इन ब्लू के लिए यह दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। टेस्ट सीरीज में तो टीम इंडिया के लिए एक मुकाबला जीतने में सफल भी रही, लेकिन ओडीआई सीरीज में 0-3 से उसका सूपड़ा साफ हो गया है। अब भारतीय टीम का असाइनमेंट वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले महीने होने वाली घरेलू सीरीज में है, जिसके लिए महज कुछ ही समय बचा है। वेस्ट इंडीज को भारत दौरे पर 3 वनडे और इतने ही T20 मुकाबले खेलने हैं। वैसे भारत के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी सीरीज जीतना इतना आसान नहीं रहने वाला है। वेस्ट इंडीज ने करी है खास तैयारी, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर घरेलू मैदान पर ही भारतीय टीम को जीतने के लिए क्यों मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर क्यों रोहित शर्मा की वापसी के बाद भी टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं रोहित और कोहली के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। क्या टीम इंडिया के लिए आखिर क्यों मुश्किलें बढ़ी हुई है और टीम इंडिया को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये जानने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा और कोहली कितने हैं तैयार। जो कि हम आपको पहले तो ये बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 3 वनडे और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएंगी, जिसका पहला मुकाबला वनडे से शुरू होगा। 6 फरवरी को वनडे शुरू होगा और 20 फरवरी को आखिरी T20 मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद भारत का दौरा श्रीलंका करेगी। अब ये जानने से पहले कि टीम इंडिया की मुश्किलें क्यों बड़ी हुई हैं, उससे पहले जानते हैं रोहित और कोहली कितने हैं तैयार। कप्तान रोहित शर्मा के वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में वापसी करने की संभावना है। रोहित हैमस्ट्रिंग की खिंचाव के चलते साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं गए थे। चोट के बाद ज्यादातर खिलाड़ियों को लय प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, ये बात हिटमैन पर भी लागू होती है। ये देखना होगा कि रोहित वापसी के बाद कितनी जल्दी लय में आते हैं। उधर पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ले से पुराना फॉर्म गायब हो चुका है। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 अर्ध शतक जरूर लगाए, लेकिन वह दोनों ही मैच में फिनिश नहीं कर सके। कोहली को रनचेज मास्टर कहा जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये देखने को नहीं मिला। वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली के लिए चुनौती आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। आइए जानते हैं कि टीम इंडिया की मुश्किलें क्यों बड़ी हुई है। 3 चुनौतियां सामने आती हैं। पहली चुनौती, वेस्टइंडीज ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 1-2 से भले ही गंवा दी हो, लेकिन इंग्लैंड जैसी विस्फोटक टीम के सामने उन्होंने पहले 2 मुकाबलों में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। बारबाडोस में खेले गए पहले T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने अंग्रेजों को 4 खाने चित करते हुए 9 विकेट से मात दी थी। इसके बाद दूसरे मुकाबले में कैरेबियाई टीम सिर्फ 1 रन से ही मुकाबला हार गई। तो लेकिन कहीं न कहीं इनकी फॉर्म अब वापस आ चुकी है। पहली बड़ी चुनौती तो टीम इंडिया के लिए यही रहने वाली है, लेकिन दूसरी चुनौती के बारे में बात की जाए तो वेस्टइंडीज के प्लेयर्स को IPL के चलते भारतीय पिचों पर खेलने का काफी अनुभव है। इस लिस्ट में टीम के अहम खिलाड़ियों किरण पोलार्ड, जेसन होल्डर और निकोलस पूरन का नाम भी शुमार है। किरण पोलार्ड मुंबई इंडियंस टीम के अहम सदस्य भी है। वहीं जेसन होल्डर सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रह चुके हैं। कहीं न कहीं सारे वेस्टइंडीज खिलाड़ी किसी न किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते जरूर है। भारतीय पिचों का अच्छा अनुभव भारत के लिए ही एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वहीं तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी चुनौती, भारतीय खिलाड़ी आगामी IPL ऑक्शन को लेकर भी उधेड़बुन में होंगे, खासकर वे खिलाड़ी जिन्हें रिटेन नहीं किया गया है। इन भारतीय खिलाड़ियों के मन में IPL को लेकर सवाल तो जरूर उठ रहा होगा। वे उधेड़बुन में होंगे कि कौन सी फ्रेंचाइजी उन्हें खरीदेंगी। IPL की नीलामी 12 और 13 फरवरी को होनी है। खास बात ये भी है कि भारत वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच 12 फरवरी को ही आयोजित होना है। भारतीय टीम के लिए इन सब में सुकून की बात यह है कि वेस्टइंडीज टीम भारत में लगातार 6 वनडे सीरीज हार चुकी है। 2006-07 के बाद ये दौरा सिलसिला शुरू हुआ था, जो 2019-20 तक पिछले दौरे तक जारी था। अब भारत के मौजूदा फॉर्म देखते हुए विंडीज को यह सिलसिला खत्म करने की फिराक में होंगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं भारत की इन बड़ी और मुश्किल चुनौतियों के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।